ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर किए वक्तव्य के बाद अब भाजपा की ओर से उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में कहा कि इसके बाद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर ऐसे वक्तव्य किए तो भाजपा की ओर से आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कर्तव्य शून्य व्यक्ति से ऐसे आरोप नहीं करना चाहिए। के जनप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस जी 13 करोड़ जनता के विकास के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है ऐसे हमारे नेतृत्व लोक नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इनके बारे में उद्धव ठाकरे जी ने नागपुर में आके उनको कलंकित कहा। कल ही हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से उनकी गाड़ी रोककर उसका जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन हम सरकारी पार्टी में, गवर्नमेंट पार्टी में हैं। हमने महाराष्ट्र को अशांत करने का, अशांत नहीं होना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है, इसलिए हम कल रुके। आज हमारे प्रवीण दटके जी, अरविंद गजबी जी ने और हमारे सारे विधायकों ने आंदोलन भी किया, लेकिन आपके माध्यम से मैं उद्धव ठाकरे जी को आखिरी का जो एक उद्धव ठाकरे को आखिरी का एक सूचना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जो गांव में कहेंगे वो गांव में हम आंदोलन करेंगे, जो गांव में वो ये देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहेंगे वहां जाकर हम नहीं सोचेंगे अभी लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। अब पुलिस सोचेगी और सरकार सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचेगी। अब तक हमने सोचा है, सरकार में जब होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो, लेकिन सरकार के में रहने के बाद हमारी जवाबदारी अकेली की नहीं होती कि हम लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम तैयार ना करें, जवाबदारी उनकी भी है। देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता को जिस प्रकार से उनने कहा है वह कदापि सहन करने वाला नहीं है। मैंने सारा विश्लेषण किया है, चाहिए तो पूरी जो इसकी प्रत है वो आपको देता हूँ, लेकिन जो कर्तव्य शून्य है, घर में बैठ के राजनीति करने वाला व्यक्ति है जिसको कोई उसका महाराष्ट्र के विकास के लिए कर्तृत्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने कर्तृत्ववान देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप नहीं करना चाहिए, गलीच आरोप नहीं करना चाहिए, निचले स्तर का आरोप नहीं करना चाहिए, यही हमारा इस माध्यम से कहना था। और मुझे लगता है अगर वो समझे नहीं तो आगे हम समझाएंगे उनको।